डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है तो हम कैपेसिटेंस को कंप्लीट करेंगे। नोट्स हमने आपको भेज दिए व्हाट्सएप से और उसके बाद कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक फिल करने पर कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट केस, ये हमने स्टूडेंट से कैपेसिटर लिया, इसको क्यू चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल वी है, वी बैटरी लगा दी हमने इसमें भी नोट के, और इसका कैपेसिटी सी है, इसका चार्ज क्यू नोट है, वी नोट सी नोट, कैपेसिटी एनर्जी यू नोट और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। ये सपोज कर लिया ये एयर कैपेसिटर, अब फर्स्ट केस में हम लोग इसमें डायलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे बैटरी को हटाने के बाद। डायलेक्ट्रिक इज फील्ड आफ्टर रिमूविंग बैटरी, हम बैटरी को हटा देंगे और डायलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ये फिगर बनेगा इसका, देखिए ये के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का डायलेक्ट्रिक फील्ड करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चार्ज रिमेंस कॉन्स्टेंट, चार्ज रिमेंस कॉन्स्टेंट, चार्ज चेंज नहीं होता है, तो इसका जो न्यू चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज। कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, स्टार्टिंग में कैपेसिटी में बताया हमने आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंक्रीजेस आइदर व्हेन वी आर टेस्ट और नॉट टेस्ट, कैपेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल हो जाएगा v अपॉन k, v नॉट अपॉन k, v इक्वल टू v नॉट अपॉन k। अब ये कैसे आया ये देखिए, v होता है q अपॉन c, q की वैल्यू है q नॉट और c है k c नॉट, q नॉट अपॉन c नॉट हो गया v नॉट अपॉन k। नाउ एनर्जी u, अब u इक्वल टू होता है हाफ c नॉट v नॉट स्क्वायर, ये u नॉट हुआ, अब u क्या होगा हाफ k c नॉट v नॉट स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, हाफ c v नॉट स्क्वायर u नॉट हो गया, तो ये हो गया u अपॉन k। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है v अपॉन d, v अपॉन d इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब v क्या हो गया v नॉट y के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा e नॉट y के। तो डायलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद ये चेंजेस आएंगे, चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, कैपेसिटी इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इफ बैटरी इज रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड। नाउ सेकंड केस, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड without removing battery, battery को बगैर हटाए dielectric fill किया गया, battery attach है, अब dielectric fill कर दिया। इसमें important point ये है कि potential remains constant, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, तो V डैश होगा V नॉट, चार्ज Q डैश, कैपेसिटी C डैश, ये हमेशा इंक्रीज होती है, KC, Q इक्वल टू C भी होता है, तो अब चार्ज हो जाएगा K Q नॉट, एनर्जी U
U इक्वल टू होती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो U डैश हो जाएगी के यू नॉट, के यू नॉट। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल, इनको आप देखें किस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है, बैटरी लगी है या हटा दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, K equal to C dash upon C के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मैंने पहले ही बताया डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। Capacity P along AB equivalent capacity is
ये इसका आंसर है, ये सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस की स्लैब, और ये कैपेसिटर डी डिस्टेंस करके भेज सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, कोई डाउट हो तो कमेंट
बॉक्स में भेज सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम अभी रह गया है, उसको इंटीग्रेशन जब आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कल से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आपने 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस आएगा। बाकी स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, 11th का पूरा अपने रिवाइज करते रहिए, जिससे कि जेई मेन का जो एग्जाम आप जनवरी वाला देंगे उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि 11th का सिलेबस आपका कंप्लीट है। 12th का जितना हो गया उसे रिवाइज करते रहें, हमारे साथ साथ इन टॉपिक्स को भी पढ़ते रहें। फिर भी कोई डिफिकल्टी आएगी फिर से पढ़ने की जरूरत होगी तो हम रेगुलर क्लास में आपको देंगे। थैंक यू।